नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल महारैली के साथ ये भी है कि क्या जयपुर में रिलॉन्च होने वाले हैं राहुल गांधी? कांग्रेस की महंगाई रैली से फिर राहुल युग के संकेत मिल रहे हैं। जयपुर में चारों दिशाओं में लगे राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, AICC BCC दोनों के होर्डिंग्स में राहुल छाए हुए प्रमुखता के साथ। यूपीए के दौरान जयपुर में हुई चिंतन बैठक के जरिए राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे और उस दौरान भी उपाध्यक्ष वो जयपुर में बने थे। हालांकि उस समय भी उनको अध्यक्ष बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद आगे चल के राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में जयपुर से मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब राहुल गांधी की पहल पर ही जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली हो रही है। वहीं अगस्त में होने हैं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की ताजपोश में एक बार फिर से जयपुर से ही मार्ग प्रशस्त होगा, यानी कि जयपुर से ही दिल्ली का रास्ता एक बार फिर निकलेगा। और यही कारण है कि जयपुर में हो रही महंगाई रैली की कई मायने निकाले जा रहे हैं, और जिस तरीके से होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि राहुल गांधी को ध्यान में रखते हुए पोस्टर डिजाइन किए गए हैं। और जो अहम भूमिका इस रैली के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है उसका नेतृत्व भी राहुल गांधी के हाथों में दिखाई दे रहा है। घर का चूल्हा चौका छोड़ महिलाएं करेंगी पंचायत। श्री गंगानगर जिले की 9 पंचायत समितियों में चुनावी दंगल, और पंचायत चुनाव लड़ रही 300 महिला प्रत्याशियों में से 249 गृहिणी हैं। अब जरा सोचिए, लगभग 90% के आसपास जो महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं वो गृहिणी हैं। सभी प्रमुख दलों से महिलाओं को टिकट देने में दरियादिली नजर आई। कांग्रेस ने जिले में 94 महिला और 73 पुरुष प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बात अगर श्री करणपुर पंचायत समिति की करें तो यहां 15 सदस्यों के लिए 47 प्रत्याशी मैदान में है। इन 47 प्रत्याशियों में पुरुष प्रत्याशी हैं महज 11, अन्य सभी महिलाएं हैं, यानी कि 36 महिलाएं हैं। जिले के सादुल शहर पंचायत में इस बार उलझा अलग ही गणित। पंचायत समिति प्रधान का पद इस बार सामान्य वर्ग के लिए है, लेकिन जातिवाद वोट बैंक इतना हावी कि एक भी सामान्य प्रत्याशी नहीं उतारा गया मैदान। और अब बात करते हैं विक्ट्रीना की, यानी कि विवाह बंधन में बंधे विक्की और कैटरीना। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में रॉयल वेडिंग हुई, राजस्थान इसका गवाह बना। देर रात तक सेरेमनी चली, कई सितारा यानी कि कई स्टार इसके गवाह बने। कल विंटेज कार में पहुंची थी विक्की कौशल की बारात। बरवाड़ा फोर्ट में घोड़ी पर बैठकर विक्की ने तोरण मारा था। शादी के बाद आज हेलीकॉप्टर से जयपुर पहुंचे विक्की और कैटरीना। चार्टर प्लेन से जाने से पहले स्टाफ के साथ फोटो क्लिक कराई। मौजूद कर्मचारियों ने नवविवाहित जोड़े का फूलों से स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट के अंदर से ही सीधे चार्टर विमान से मुंबई रवाना हुए। विदाई के समय हल्के पीले सलवार सूट में नजर आई कैटरीना कैफ। वहीं ये कहा जा सकता है कि राजस्थान पर्यटन को मिली एक और बड़ी सफलता। पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए राजस्थान सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ बन गया है। बेस्ट वेडिंग और पर्यटन के लिए नवाजा गया स्टेट अवार्ड से। प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार। आने वाले वक्त में टूरिज्म के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन ने 2021 के सर्वे में दोनों अवार्ड राजस्थान के नाम कर दिए। इंडियाज बेस्ट अवार्ड के 10वें संस्करण में विजेता के रूप में चयन हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के पाठकों द्वारा की गई रेटिंग के आधार पर प्रदेश का चयन हुआ है। देश के शाही शादियों के लिए राजस्थान सबसे पसंदीदा राज्य है। पर्यटकों के लिए सब कुछ श्रेणी में राजस्थान में बेस्ट अवार्ड मिला है। बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। रजवाड़ों की भूमि, पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टि से भी राजस्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदूषण का स्तर भी कम है। और ये भी कह सकते हैं मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, उनसे सीधा जयपुर का कनेक्शन है।
दिल्ली जयपुर NH8 पर यात्री कितने सुरक्षित हैं, यात्रा कितनी सुरक्षित है। NH8 के सभी पुलों की क्वालिटी पर संशय खड़ा हुआ है। मानसून से पहले दिए थी सभी पुलों की जांच के आदेश। NHAI के तत्कालीन CGM MK जैन ने आदेश ही दिए थे, लेकिन कमाल देखिए, अभी तक सभी पुलों की जांच पूर्ण नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। IIT या फिर RITs के इंजीनियर्स की टीम से जांच करानी। NH8 पर साबी पुल में पिछले वर्ष हुआ था बड़ा छेद, स्लैब का कंक्रीट अचानक भर भरा कर गिर गया था। NH8 से निकलते हैं रोजाना हजारों वाहन। अब सभी पुलों की तकनीकी जांच के बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन तकनीकी जांच कब तक होगी, सवाल सबसे बड़ा यही है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, और इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि आइए हम सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान और अधिकारों के समान जीते हैं। सभी में अधिकार समान होते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए असमानता और भेदभाव को समाप्त करना महत्वपूर्ण। दिसंबर 10, 1948, जी हां, यही वो तारीख जब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की शुरुआत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी घोषणा की। औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र किया गया था जारी। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प किया गया था पारित। दुनिया में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, जो वंश, रंग, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, राजनीतिक विचार, देश, समाज और जन्म स्थान इत्यादि से परे होते हैं। भारत में 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ था मानव अधिकार कानून। 1993 में ही भारत ने मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया, लेकिन विडंबना, देश में आज भी लोग नहीं जानते अपने अधिकार। मानव अधिकारों पर 2019 में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे, देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को होना पड़ता है अधिकारों से वंचित, लेकिन हम दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे घर के बुजुर्ग उस पेड़ की तरह जिसकी छाया में हम सब पलते हैं, और सोचिए उन्हीं को ही सबसे ज्यादा अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राम राजगोपालाचार्य की जयंती आज है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्पीकर ओम बिरला बोले, स्वतंत्रता सेनानी कानूनविद सी राजगोपालाचार्य को पूरा देश नमन करता है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। निष्काम सेवा के लिए उन्हें ही सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजगोपालाचार्य जी के विचार आज भी अनुकरणीय है, प्रासंगिक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ रहे, वहीं विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बड़ी संख्या में सांसद भी उन्हें नमन करने पहुंचे। कोविड के नए वेरिएंट से पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 31 जनवरी तक संचालन नहीं होगा। दरअसल कोरोना के चलते पिछले साल मार्च में शाही ट्रेन का आखिरी ट्यूर हुआ था। 20 महीने से ट्रैक पर नहीं आ सकी पैलेस ऑन व्हील्स। कोरोना के चलते 65 से ज्यादा ट्यूर अभी तक रद्द हो चुके हैं। पर्यटन निगम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। लगातार ऑफ ट्रैक रहने से पर्यटन निगम को भी 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चला है। फिलहाल रेलवे के अजमेर वर्कशॉप में खड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। पर्यटन निगम क्रिसमस न्यू ईयर ट्यूर आयोजित करने पर विचार कर रहा था, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल होना बेहद जरूरी। नए वेरिएंट की वैश्विक वर्तमान स्थिति के चलते दूर की कौड़ी नजर आ रहा है संचालन, क्योंकि 31 जनवरी तक तो वैसे ही रोक लगी।
वहीं ओमिक्रॉन खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला जिसका जिक्र हम करें हैं। दरअसल 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक जारी। डीजीसीए ने कल शाम जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी। सभी शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी 2022 तक रोक जारी रहे। ऑल कार्गो फ्लाइट और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए ये रोक लागू नहीं। कोरोना महामारी के कारण भारत में 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। करीब 28 के आसपास देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत बबल अरेंजमेंट के तहत उड़ानों को मंजूरी दे रहा है। अभी भारत का 32 देशों के साथ बबल अरेंजमेंट है। इसका मतलब है कि ये 32 देश वो हैं जिनके साथ फ्लाइट का संचालन तो हो रहा है लेकिन बबल के नियम का पालन करना होगा।